हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना परफेक्ट टायर। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो बनाई है वो है वैगनार के टायर के बारे में। दोस्तों, ये जो टायर है वैगनार के, ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी बिकती है। ये ओल्ड मॉडल के टायर हैं मेरे पास, वैगनार ओल्ड जो मॉडल आती थी, जिसमें जो साइज़ है वो है 145/80R13। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कौन सा टायर मैं लूँ उस गाड़ी के लिए। तो दोस्तों, आज बन रही है इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इन टायर से रिलेटेड। दोस्तों, पांच कंपनीज मेरे पास होने वाली हैं, पांचों कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं और इंडियन मार्केट में काफ़ी लोग इन टायरों को देखते हैं, काफ़ी लोग इन टायर को पसंद भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन कौन सी कंपनीज मेरे पास होने वाली है। मेरे पास MRF, सीएट, ब्रिजस्टोन, अपोलो और फायरस्टोन, ये पाँच कंपनीज मेरे पास हैं। पाँचों कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, कौन सा टायर बेटर है, कौन सी टायर की सर्विस, कौन से टायर का प्राइस, क्या क्या होने वाला है, सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो कौन सा टायर अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास जो टायर होने वाला है वो है MRF का। देख सकते हैं MRF का नाम हमेशा टायर इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी रेपोटेड ब्रांड रही है। MRF का ZVTS मॉडल है मेरे पास, 145/80R13 इसका साइज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है 145/80R13 और ये ट्यूबलेस टायर हैं। ग्रिपिंग की बात करें, टायर के अंदर काफ़ी अच्छी माल दिया गया है, काफ़ी अच्छी रबड़ क्वालिटी यूज़ करी गई है टायर की। साइड वाल की बात करें तो साइड वाल थोड़ी सी पर्सनली मेरे को हल्की लगी है, बाकी ओवरऑल टायर की बात करें तो अगर आपको हैंडलिंग अच्छी चाहिए, ग्रिपिंग अच्छी चाहिए और टायर की घिसावट काफ़ी कम चाहिए, इस टायर में आपको नॉइस भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रबड़ यूज़ करती है MRF, जैसा मैंने आपको बताया। तो अगर आपको कम कीमत के अंदर एक अच्छा टायर चाहिए तो आप MRF ZVTS की तरफ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी सर्विस आपको ला के दे देगा कम कीमत के अंदर। तो मेरे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ट्यूबलेस टायर पे ये दो चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है टायर लेते समय। इसका जो प्राइस होगा वो भी आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे क्या इसका प्राइस होने वाला है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका प्राइस चेक कर सकते हैं। ये जो प्राइस होगा आज के डेट के हिसाब से होगा, इन फ्यूचर ये डिक्रीज और इंक्रीज दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास टायर होने वाला है वो है 145/80R13 सीएट माइलेज X3। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूबलेस टायर होने वाला है। अगर हम इसकी अपर सरफेस की बात करें, काफ़ी अच्छी अपर सरफेस दी गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुकिंग दी गई है टायर को। दोस्तों, इस टायर की अगर हम बात करें, साइड वॉल की अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाता हूँ सीएट की ब्रांडिंग। सीएट की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से दी गई है, माइलेज X3 इसका नाम है, सीएट की तरफ से आने वाला काफ़ी अच्छा ये टायर है। और इस तरीके की हम बात करें 145/80R13, जैसे आप देख सकते हैं जो कि वैगनार ओल्ड मॉडल में हमें देखने को मिलता था, ट्यूबलेस ये टायर है जैसे मैंने आपको बताया। तो गाइस, इस टायर की अगर हम बात करें तो साइड वॉल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी गई है, काफ़ी हैवी साइड वॉल दी गई है, जिससे टायर को एक अच्छी उम्र, एक अच्छी लाइफ मिलती है, जिससे काफ़ी अच्छी सर्विस आपको ये टायर ला के देने वाला है। सीएट ने कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा टायर के ऊपर ध्यान दिया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रबड़ यूज़ कर रहे हैं अब, और कहीं ना कहीं टायर को एक अच्छी उम्र मिल पा रही है। दोस्तों, इस टायर की अगर हम बात करें, अगर आपको नॉइस कम चाहिए और एक अच्छी ग्रिपिंग चाहिए टायर से, साइड वॉल भी हैवी चाहिए, प्लस अनकंडीशनल वारंटी भी चाहिए, यानी कि अनकंडीशनल वारंटी MRF आपको नहीं देता है, सीएट आपको अनकंडीशनल वारंटी ला के दे देता है। यानी कि 2 साल तक आपका टायर में कुछ भी हो जाए, 2 साल या आधे माल तक आपको टायर नया ला के मिल जाएगा प्रो डाटा बेसिस पे। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी बनाता है इस टायर को। तो अगर आप एक ऐसा टायर चाहते हैं जिसकी कीमत थोड़ी रीजनेबल हो और आपको ग्रिपिंग, नॉइस और उसके साथ साथ आपको हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी मिल जाए और अनकंडीशनल वारंटी मिल जाए, तो सीएट माइलेज X3 काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो भी आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में बता देंगे क्या इसका प्राइस होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास टायर होने वाला है वो है ब्रिजस्टोन का B290। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिजस्टोन की ब्रांडिंग, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बड़ा बड़ा लिखा गया है B290 ये मॉडल होने वाला है, जो कि अनकंडीशनल वारंटी प्रोवाइड करता है ये मॉडल। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टायर को अगर हम कंपैरिजन करें सीएट से तो काफ़ी सिमिलर से लगते हैं पैटर्न दोनों के। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के पैटर्न काफ़ी सिमिलर हैं, हालांकि क्वालिटी में काफ़ी अंतर है दोनों की। दोस्तों, ब्रिजस्टोन की अगर हम सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न काफ़ी सिमिलर दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। अगर हम ब्रिजस्टोन की बात करें तो ब्रिजस्टोन काफ़ी अच्छी, काफ़ी रेपोटेड ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है पर इंडिया में काफ़ी टाइम से बिजनेस करता है और काफ़ी लोगों की डिमांड को जानता है, काफ़ी लोगों की नीड को भी जानता है ब्रिजस्टोन। दोस्तों, ब्रिजस्टोन का आप देख सकते हैं टायर, अगर हम इसकी साइड वॉल की बात करें तो सबसे हैवी साइड वॉल मेरे को अभी तक लगी है। साइड वॉल का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और कहीं ना कहीं टायर का जो लोड होता है साइड वॉल पर भी काफ़ी निर्भर करता है, टायर की उम्र भी साइड वॉल पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। सबसे हैवी जो टायर साइड वॉल लगी है मेरे को ब्रिजस्टोन की लगी है, और अपर सरफेस भी, क्वालिटी भी, हर तरीके से टायर बहुत अच्छा है ब्रिजस्टोन का तरफ से आने वाला B290। दोस्तों, इस टायर पर आपको अनकंडीशनल वारंटी मिल जाती है, यानी कि आपका टायर कहीं से कटता है, फटता है तो कंपनी बदल के दे देती है।
पर मिलेगी तभी ही जब आपको स्टार को रजिस्टर्ड कराना होगा। अदरवाइज़ अगर आप स्टार को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो आपको अनकंडीशनल वारंटी आपको नहीं मिलने वाली। तो स्टार को रजिस्टर्ड जरूर कराएं अगर आप एक ऐसा टायर चाहते हैं जिसमें आपको नॉइस ना मिले, ग्रिपिंग अच्छी मिले और अनकंडीशनल वारंटी मिले और लाइफ टायर की बहुत ज़्यादा मिले, और कहीं ना कहीं आपको एक रेपोटेड ब्रांड चाहिए, तो ब्रिजस्टोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। इससे अच्छा टायर मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है आपकी गाड़ी के लिए, वैगनार के लिए। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास टायर होने वाला है वो भी काफ़ी अच्छा टायर आया है, अपोलो अमेजर 4G लाइफ, अपोलो की तरफ से आने वाला अपोलो 4G लाइफ। दोस्तों इस टायर की अगर हम बात करें, बहुत लोग इस टायर को पसंद करते हैं, 2 साल की कट की वारंटी मिल जाती है। काफ़ी लोग कहते हैं ये ब्रिजस्टोन को टक्कर देता है। आइए जानते हैं क्या इसकी क्वालिटी है, कैसी रबड़ यूज़ करता है अपोलो। तो दोस्तों इस टायर की अगर हम बात करें, अपोलो अमेजर 4G लाइफ की आप पैटर्न दे सकते हैं, टोटली डिफरेंट है ब्रिजस्टोन से, काफ़ी अलग यूनिक सा पैटर्न दिया है टायर को, जिससे टायर में आपको रोलिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। यानी कि जब आपका टायर रोल होता है तो काफ़ी अच्छी रोलिंग आपको इस टायर से मिलती है। साइड वॉल ओवरऑल बहुत अच्छी लगी है मेरे को पर्सनली, बहुत हैवी कंपनी ने साइड वॉल दी है। इस टायर की अगर हम बात करें तो आपको 2 साल तक कटने फटने की वारंटी मिल जाती है और 5 साल फूलने चटकने की वारंटी मिल जाती है। अगर आपको एक ऐसा टायर चाहिए जिसमें आपको हैंडलिंग के साथ साथ ग्रिपिंग अच्छी मिले, कि टायर में मेरे को थोड़ी नॉइस लगती है, इसके अलावा टायर में मेरे को कोई कमी लगी नहीं है, काफ़ी अच्छी सर्विस आपको ला के दे, और कहीं ना कहीं लाइफ भी काफ़ी अच्छी आने वाली है इस टायर की। दोस्तों नेक्स्ट जो मेरे पास टायर है वो है फायरस्टोन की तरफ से आने वाला FS100। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी थोड़ी कम चलती है और आप एक ऐसा टायर चाहते हैं जिसकी थोड़ी कम कीमत हो और अच्छी सर्विस ला के देते, तो फायरस्टोन आपके लिए सही ऑप्शन रहने वाला है। तो साइड वॉल की बात करें तो ठीक ठाक मिल जाती हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं, ज़्यादा बेकार नहीं, अच्छी क्वालिटी की रबड़ भी यूज़ करता है फायरस्टोन, और काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी की आपको टायर ये मिलने वाला है। इस टायर की अगर हम बात करें तो 145/80 13 साइज़ है, और टायरों से मेरे को इसकी विड्थ थोड़ी कम लगी है। अगर हम कंपेरिजन करें अपोलो से, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी विड्थ मेरे को कम लगती है इन टायरों की, बाकी ओवरऑल टायर काफ़ी अच्छी सर्विस ला के दे देगा कम कीमत के अंदर। अगर आपकी गाड़ी को थोड़ी कम चलती है तो ठीक ठाक सर्विस आपको ये टायर ला के दे देगा। 2 साल अनकंडीशनल वारंटी के मिलने के साथ साथ आपको 5 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी आपको देखने को मिल जाती है, ओवरऑल टायर काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा चलती है और आप एक ऐसा टायर चाहते हैं जिसमें आपको नॉइस कम मिले, हैंडलिंग अच्छी मिले, ग्रिपिंग अच्छी मिले, तो ब्रिजस्टोन आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर आपको एक ऐसा टायर चाहिए कम कीमत के अंदर, आपको नॉइस कम चाहिए, थोड़ी हैंडलिंग और ग्रिपिंग के साथ साथ आपको थोड़ी उम्र हालांकि कम मिलेगी, पर सीएट भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। तो दोस्तों आप कौन सा टायर लगाने वाले अपनी वैगनार के लिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी वीडियो तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने धन्यवाद जाएंगे।